हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं शेयर करूंगी कोलकाता स्टाइल फिश फिंगर का रेसिपी, जो कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे बनाते हैं। पहले हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और जिसके लिए चाहिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कुछ धनिया के पत्ते और थोड़ी सी पानी। फिश फिंगर के लिए आप कोई भी व्हाइट फिश यूज कर सकते हो, जैसे कि बासा, स्वाई, तिलापिया, भेटकी। फिश को हमें ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेना है और उसके बाद हम मैरिनेशन के लिए डालेंगे नमक, कुटी हुई काली मिर्च, फिर डालेंगे वो हरा पेस्ट जो हमने पहले बनाए थे, फिर डाल देंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। आप इसके जगह विनेगर भी यूज कर सकते हो। अब सब कुछ हाथों से मिला के 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। मैं पहले आपको दिखाना भूल गई थी, मैरिनेशन के टाइम बिल्कुल थोड़ी सी चीनी भी मिक्स करेंगे। डिटेल रेसिपी के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। 2 घंटे बाद एक प्लेट में हम मैदे को फैला लेंगे और फिर एक मछली को उठा के उसमें डालेंगे और हल्का सा रोल कर लेंगे। इससे क्या होगा, मछली के ऊपर मसाला अच्छे से चिपक जाएगा और बहुत ज्यादा मैदा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब सारे मछली को रोल करने के बाद जो एक्सेस मैरिनेट यानी कि मसाला रह जाएगा, उसको हम जाया नहीं करेंगे, एक अंडे के साथ अच्छे से बीट कर लेंगे और इसीलिए इसमें अलग से नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और उसमें थोड़ी सी नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक फिश स्ट्रिप को उठा के हम अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे। हल्के हाथों से घुमा घुमा के सारे साइड्स को कोट करना है। अब कोट किए हुए मछली को एक फ्लैट जगह पे रखना है। कुछ देर के लिए इसे अब ऐसे हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। इससे मछली को फिंगर जैसा शेप मिलेगा और ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से चिपक जाएगा। सारे मछली को ऐसे रोल करने के बाद फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देंगे और फिर मीडियम गरम तेल में फिश फिंगर को डाल देना है। एक टाइम में 2 से 3 डालेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए सारे साइड्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जल्दी जल्दी मत करना, नहीं तो मछली अंदर से कच्चा रह जाएगा। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद फिश को हम तेल से उठा के टिश्यू पेपर पर रखेंगे और फिर नेक्स्ट बैच को हम तेल में डालेंगे। तेल से उठाने के तुरंत बाद ही इन सब के ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा कोलकाता स्टाइल फिश फिंगर का रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। फिश फिंगर को आप गर्मा गर्म काशुंदी और सैलड के साथ एंजॉय करो और तब तक के लिए गुड बाय।